सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो आज हम आपके लिए एक नई और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आए हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखें और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन जरूर प्रेस कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसी नॉलेजेबल वीडियोज लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। देख ही रहे फ्रेम में हमारे साथ सोनम महाजन है, आप सब जानते ही हैं सोनम को। और बहुत हम इनकी ट्वीट्स वगैरह भी देखते रहते हैं ट्विटर पे, और सोनम को की बातें भी सुनते रहते हैं। थैंक यू सो मच सोनम कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू फॉर हैविंग मी। अच्छा, सबसे पहले सोनम, पहले तो खैर हमने आज अफगानिस्तान पे ही फोकस करना है, अफगानिस्तान की बात करनी है, लेकिन सबसे पहले आपकी एक ट्वीट थी जिसमें आपने कहा था कि जी जो अफगान थे रेफ्यूजीज हैं उनको वीजा देना चाहिए इंडिया को। उस पर बहुत से लोगों ने गलत भी कहा कि नहीं, आप सही बात नहीं कर रही हैं। तो आपने ऐसा क्यों कहा, आपको क्यों लगता है कि ऐसा होना चाहिए? बहुत ही हैरानगी की बात है कि जो दोनों तरफ के एक्सट्रीमिस्ट थे, जो इंडिया के थे या जो पाकिस्तान के थे, दोनों के ही काफ़ी ओपिनियन थे मेरे इस ट्वीट पे। ऑफ कोर्स जो यहाँ के जो लोग थे, दे वर सेइंग कि वी ऑलरेडी हैव अ टेररिज्म प्रॉब्लम एंड वी ऑलरेडी हैव अ रिफ्यूजी क्राइसिस एंड वी ऑलरेडी हैव अ रिसोर्स क्रंच, तो आप कैसे कह सकती हैं कि और रिफ्यूजीज को बुला लें। और जो पाकिस्तान के जो इस तरह के एलिमेंट्स थे, दे वर सेइंग कि हाँ आप हमारा कचरा लेके चले जाएं, आप वैसे भी ये लोग गद्दार हैं जो हमारे यहाँ पे रहते हैं अफगान रिफ्यूजीज, तो या इट्स वी आर वेरी हैप्पी टू गिव देम टू यू। इट्स वेरी शेमफुल आरजू दैट यू नो एट अ टाइम व्हेन वी आर सीइंग अनप्रेसिडेंटेड वायलेंस इन अफगानिस्तान एंड वी आर सीइंग चिल्ड्रन एंड वुमेन डाइंग, पीपल स्टिल हैव कॉमेंट्स लाइक दीज टू मेक। एंड About Afghans, one thing I would really want to share, which I've noticed, nobody wants to go ho back home as much as Afghan refugees want to. और ये दुनिया भर में अफगान्स का ये रिकॉर्ड रहा है कि वो अपनी सरजमीन से बहुत मोहब्बत करते हैं, वो जहाँ पे भी जाते हैं उनका हमारा हमेशा उनकी कोशिश ये होती है कि वो वापस जाएं। तो मैंने ये नहीं कहा था कि आप उनको सिटीजनशिप दे दें, मैंने कहा था कि आप उनको फैसिलिटेट करें, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं और अदरवाइज भी एक इंसानी जज्बात के तौर पे भी अगर आप देखें तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। अगर आप अपने आप को एक स्ट्रांग नेशन कहते हैं तो आपको बिहेव करना चाहिए एज अ स्ट्रांग नेशन। एंड आई डोंट इवन थिंक दैट इवन अफगान्स विल बी इंटरेस्टेड टू टेक एनी अदर कंट्रीज सिटीजनशिप, वेदर इट इज इंडिया और एनी अदर कंट्री इन द वेस्ट और पाकिस्तान। यार हर किसी का यही रहता है कि वो अपने घर में ही खुश रहे, हर किसी को अपनी सरजमीन से मोहब्बत होती है आरजू। तो आई वॉज टॉकिंग ऑफ टेम्परेरी प्रोटेक्शन वीजाज, इफ दैट दैट कुड हेल्प द सिचुएशन। माई सिंपल पॉइंट इज दैट यू नो वी शुड स्टैंड बाई आर फ्रेंड्स वेन दे आर गोइंग थ्रू टेस्टिंग टाइम्स। एंड दूसरी तरफ मतलब पाकिस्तानियों की बात पर मुझे ज़्यादा हैरत तो नहीं हुई, बट काफ़ी मुझे वो कोफ्त महसूस होती है ना कि वो लोग वहां पे नहीं हैं क्योंकि उनको खुशी से वो रिफ्यूजी कैंप्स में नहीं रह रहे हैं पाकिस्तान में, और दे आर देयर बिकॉज दे हैव बीन डिस्प्लेस्ड बिकॉज ऑफ पाकिस्तान फंडेड तालिबान टेररिज्म। एंड ऑल्सो एक फर्क है अफगान रिफ्यूजीज में और रिफ्यूजीज फ्रॉम म्यांमार और बांग्लादेश, देर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। ही दीज पीपल आर फ्लीइंग पर्सिक्यूशन, दे आर नॉट पर्सिक्यूटर्स, दे आर नॉट बींग आउस्टेड फ्रॉम देयर कंट्रीज फॉर आस्किंग फॉर अ सेपरेट स्टेट या फिर टेररिज्म के लिए, दे आर फ्लीइंग टेररिज्म। एंड आई वुड ऑलवेज मेंटेन एंड आई वुड ऑलवेज से दैट इंडिया विल ऑलवेज बी अ नेचुरल होम फॉर द पर्सिक्यूटेड, नॉट फॉर द पर्सिक्यूटर्स बट फॉर द पर्सिक्यूटेड। एंड फॉर मी अफगान पीपल आर पर्सिक्यूटेड एंड दे नीड हेल्प एंड वी मस्ट स्टैंड बाय देम। लेकिन सोनम, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि वो बड़ी मुश्किल में हैं या वो खुश नहीं है, बिकॉज जब से ये अफगान रेफ्यूजीज आए हैं पाकिस्तान में, बड़े बड़े बिजनेसेस इन्होंने इस्टेब्लिश कर लिए हैं, ऑलमोस्ट
पाकिस्तान के सिटीजन की तरह ही वो रहते हैं, और बल्कि उससे ज्यादा ही। अगर आप कभी आए आपको यहाँ पे दिखाएंगे, बहुत सारी मार्केट्स ऐसी हैं जिसमें आधे से ज्यादा शॉप्स जो हैं वो अफगानिस्तान की हैं, और मुझे नहीं लगता कि किसी तरह से उनको कोई प्रॉब्लम है, बल्कि बहुत से तो ऐसे हैं जो वापस जाना भी नहीं चाहते। तो आपको नहीं लगता कि अगर आप लोग भी उनको आने देंगे, वीजा देंगे, तो हो सकता है कि बहुत सारी मार्केट्स वो कैप्चर कर लें और उसके बाद वो जाने वापस जाने को भी तैयार ना हो? मतलब एक तरह से वो इंडियन सिटीजन ही बनना चाहें, जैसे पाकिस्तान तो बहुत ज़्यादा रेफ्यूजीज यहाँ पर हैं, और जैसे मैंने कहा कि उनकी बहुत बिजनेस यहाँ पर है, प्रॉपर्टीज हैं, पता नहीं क्या कुछ है। Well, Arzu, I have had a very different experience with Afghans. I have always seen Afghans wanting to go home. And, matlab, India mein bhi hain, kafi zyada Afghans hain, of course, in lakhs. To humne kabhi unko aisi harkatein karte bhi nahi dekha ki wo kuch disloyalty. Hota hai na, kahi log aapke yahan refuge lete hain, par wo phir bhi आपकी स्टेट के अगेंस्ट काम करते रहते हैं। ऐसे रोहिंग्यास के और बांग्लादेशी जो इमिग्रेंट्स हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स, उनके ऐसे बहुत सारे केसेस सामने आते हैं। बट अफगान्स ओवरऑल आर लाइक वी हैव एक्सट्रीमली गुड रिलेशनशिप एंड दे आर वेरी स्वीट टू अस। सो ऑनेस्टली अगर मेरा मुल्क होता तो मैं तो शायद आई वुड गो टू द एक्सटेंट ऑफ सेइंग कि यू नो या लेट देम लिव हियर। कितने अफगान्स हैं पूरी कंट्री में आप देख लें, मतलब कितनी उनकी पॉपुलेशन है। अगर हम इतने सारे लोगों को बैठ के खिला रहे हैं और वो हमारी कोई स्टेट के भी कोई ऐसा नहीं है कि वो कोई हमारी स्टेट के लिए पॉजिटिव ख्याल रखते हैं या फिर हमारे साथ उनकी लॉयल्टीज हैं, तो व्हाई नॉट द पर्सिक्यूटेड वंस। लाइक आई सेड कि वी आर ऑलवेज गोइंग टू बी यू नो अ नेचुरल होम फॉर पीपल हु आर बीइंग पर्सिक्यूटेड। सो यू नो इंडियाज policy has always been that the world is one, vasudevam kutumbam is what we believe in. So agar koi mehman aata hai aur wo bahut acche se rehta hai, hamare sath pyar mohabbat se rehta hai, we are more than happy to welcome them. वैसे मैंने एक मूवी देखी थी, आदित्य तुम कब जाओगे, तो वो आई थिंक अजय देवगन थे उसमें, परेश रावल, बड़े मजे की थी, आप देखिएगा उसमें, वो मेरे ख्याल है वो गेस्ट ही। So there are a lot of atithis that we also want them to go. But then they don't really have anywhere to go, so time will take its course. But for Afghans, probably I have a soft corner because these people have just had enough, you know. They can't just be left unattended, you know. अच्छा, लेटेस्ट डेवलपमेंट को आप कैसे देखती हैं अफगानिस्तान की? कभी ये न्यूज़ आती है कि कुछ एरियाज को तालिबान ने कैप्चर कर लिया है, कभी होता है कि जी जो अफगान आर्मी है उसने वापस ले लिया है, तो इसी तरह की हम रोज ही न्यूज सुनते हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि किस तरफ जा रहे हैं लोग? Well, Arzu, there's no doubt about the fact that Taliban have made big advances, and you know, in last 3 days itself, provincial capitals have fallen to them, which hadn't happened, you know, ever since the announcement of the US and NATO withdrawal from Afghanistan. In fact, if I go into statistics, Zaranj, jo Nimroz ki province ki capital hai, it's already under Taliban control. And with that, I think Pakistan has also achieved some of its much desired, craved after strategic depth, because Zaranj shares a border with Iran. So everybody knows, it's an open secret that Taliban are controlled by the Pakistani establishment. So if they are ruling over Zaranj, so it's Pakistan's control, pretty much of Pakistan's control there. So they achieve that much needed strategic depth, but only for some days. Then we also have Kunduz. Earlier, the Afghan government hadn't really accepted ki it's been captured. But now I think they have said that cleansing operations are on, so which means that it's official. And I've also read some reports from New York Times and other media houses. Kunduz is also, the capital city is under the Taliban occupation. I think Shebargan, which is jo Jawzjan province ki jo capital hai, aur Saraypul, jo ek aur province hai, wahan pe abhi bhi the fighting is on. They have not been taken over, like kind of gray areas. But Zaranj and Kunduz jo hai, you know, the tough fighting is going on there. And again, like Zaranj, Kunduz also has
lot of importance, strategic importance, because you know it is very close to Kabul, so of course they don't want to lose it. But having said this, एक चीज जो बहुत लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि यू नो एक तो जो अफगान फोर्सेस हैं लाइक दे आर ऑफ कोर्स बेटर ट्रेन्ड टुडे एंड इट कुड आल्सो बी अ स्ट्रेटजी आरजू कि यू नो दे आर ओवर स्ट्रेस्ड. अफगान फोर्सेस जो है ये बहुत बड़ा मुल्क है अफगानिस्तान. अगर आप हर प्रोविंस में थोड़ी थोड़ी फोर्स लगा देंगे तो प्रोबेबली आप अपना कुछ भी नहीं बचा पाएंगे. सो आई थिंक इट मेक्स मोर सेंस टू consolidate your force presence in areas which are very important cities. I know it's very sensational. It looks like a good headline or a tragic or a news-creating headline that provincial capitals have fallen to Taliban. But if you see, the provincial capitals that matter have not fallen to Taliban. And we have also noticed a pattern that Taliban ek territory ko capture to kar lete hain, but fir wo Afghan forces in no time unse le bhi leti hain. So I think probably the Afghan government has thought through this. They don't want to put too much of military in one place, and they would rather want ki, you know, cities which are smaller fall to Taliban and then we reclaim them, rather than not guarding the important cities enough. So I also feel it's a fact that I think Afghan forces, like they kind of must be having a low morale as well, because they are under attack from all the ends. And Taliban, on the other hand, they have a religious motivation, you know, they are fighting for a cause. So these people, the forces, if I were in their place, and even I have an undecided future, I don't know, I mean, how my mental state would be. So we have to give it to them. And I think with the US joining Afghanistan forces, aaj aapne dekha hoga ki US ne B-52 bombers aur Spectre gunships bheji hain aur unhone air strikes bhi kiye. Usse Kunduz city mein nuksan bhi hua hai, civilians ko bhi nuksan hua hai jitni maine videos dekhi hain. And that is why, you know, I've been saying that world community ko ye lagta hai ki if we try and, you know, sanction Taliban, hum unse kuch rishte nahi rakhenge to unko farak padega. I mean, their funders are sitting in Pakistan, so they are not depending on the world community really. And dusri baat ye hai ki aap air strikes karenge, theek hai, UN has joined forces with Afghan forces, and you know, it's unprecedented, it's good, because it's a force multiplier. But we have to realize ki the Taliban are now moving towards urban areas, they are moving into cities. So airstrikes there can cause massive damage. And on the other hand, you know, we should not expect ki agar subah Taliban ne ek city capture ki hai to wo din mein wo unse khali karwa lenge, kyunki urban warfare bahut different hota hai. Aur aap mountains mein jab aap ladai karte hain to you can just, you know, blow the entire thing up. Urban areas mein you have to like do room intervention. You can't just blow up entire buildings, and you have to see ki civilians ki jaane na jaye. So situation is pretty bad, Harzu, but I'm very hopeful because there's one more thing that not many people might have taken account of it. Jo US ne jo bombers or jo gunships bheji hain, they have used a base in Qatar. So Doha is where this entire peace deal was materialized. So it looks like that probably the Taliban, because of their behavior and because of the violence that they're unleashing on ground, they're also losing Doha's, you know, patronage now, because nobody can be defending terrorist organizations forever. Like, theek hai, there are countries who have recognized Taliban. And I also feel that even India might have to engage in that process, because it's a reality. But that doesn't mean we legitimize Taliban, right? Apart from Pakistan, nobody really calls these terrorists as civilians. I mean, this is the language that only Pakistan uses. So I think spoken pretty much about the present situation. Yes, the capitals are falling to Taliban, but not very important cities so far. And I think they'll be able to take them back. But
above all, I feel we should all urge the international community to, you know, take note of the situation and take some immediate steps to protect the civilians. I mean, the women and children, they can't go anywhere. Zaran jis din captured hua hai Arzu, us din Nimroz province ke kafi sare log hain jo Iran border pe bhag gaye the a night before Taliban captured it. And they were allegedly mistreated by the Iranian border guards and they were sent back home, and next day their city was captured. So just imagine being in that situation. It's very easy sitting in the comfort of your home and, you know, tweeting and saying that ye refugee wahan bhejo yahan bhejo, but then it's difficult being a refugee, you know. बट सोनम पाकिस्तान तो ये भी कहता रहा है कि जी हमने जो है वो कई साल बल्कि 20 साल से ज़्यादा जो है वो वॉर ऑफ टेरर लड़ी है तालिबान के खिलाफ, जिन्होंने 70,000 से ज़्यादा पाकिस्तानियों को मार दिया, और अभी भी बहुत से लोग मेरे समेत ये समझते हैं कि तालिबान जो है वो एक टेरर ग्रुप है, उसके उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो फिर अब ऑल ऑफ अ सडन आपको क्या लगता है कि एकदम से ये जो इन्होंने अपने स्टेटमेंट्स चेंज किए हैं और उनको बड़े सिविलाइज्ड बताना शुरू हो गए हैं और बाकी दुनिया भी उनसे मिल रही है, ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान, चाइना ने भी मिले हैं तालिबान से और लोग भी मिल रहे हैं, तो ये सडन चेंज क्यों और कैसे आया है? देखिए, पाकिस्तान की तो अर्जो ये खासियत है कि पाकिस्तान में किसी भी चीज में एक आइडियोलॉजिकल कंसिस्टेंसी नहीं रहती है, वेदर इट इज अबाउट योर ओन विजन एज अ कंट्री और वेदर आई टॉक अबाउट द फॉरेन पॉलिसी। योर फॉरेन पॉलिसी कीप्स इवॉल्विंग यू नो बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट्स, स्पेशली द मॉनिटरी इंटरेस्ट्स। सो पाकिस्तान वाज ऑफ कोर्स विद द यूएस टिल द टाइम इट वाज सपोजेडली अ पार्ट ऑफ द वॉर ऑन टेरर, जिसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी भी पाकिस्तान ही था। बट नाउ दैट सिंस दैट्स गॉन, दैट सिचुएशन इज नो मोर देयर एंड पाकिस्तान हैज नथिंग टू मिल्क हियर, I think it's a very smart decision that Rawalpindi has taken. I mean, you can always take decisions which can bring you short-term gains, but then you end up losing your credibility, you know, on the world stage. But then Pakistan doesn't have much to lose anyway, because, you know, you need to have something to lose something. So it's of course also to, you know, to basically show your loyalties to China, because US is seen as an enemy of Taliban. So aajkal to equations वैसे भी ऐसी बनती हैं कि दूसरे का दुश्मन, you know, दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त। So since China and Pakistan are like you know brothers from different mothers, they just want to create some sort of a system where they, and Pakistan, I don't know why Pakistan always has to choose sides. I mean, this is the reason nobody takes you seriously, Arzu. Your own prime minister has been saying, your own prime minister said absolutely not to the US. And now your NSA says that why is President Biden not calling Imran Khan? So you have said absolutely not to the US. Why do you expect the US president to call you? So maybe Mr. Niazi, if you really want Mr. President to call you, start with stopping the Taliban. For starters, see this back and forth, Arzu. It's present everywhere. Whether it is your relationship with India, or I think with China, you are a bit consistent of being, you know, by being a sidekick to them. But otherwise, with America, with India, आपके जो stances हैं वो बदलते रहते हैं. पहले आप अमेरिका के partner थे in war on terror, but जैसे ही US withdrew. आपको लगा कि ओ दिस इज टाइम टू नाउ यू नो बेसिकली सर्व चाइना, सो लेट्स से इट्स जस्ट द यूएस व्हिच हैज स्क्रूड अप एवरीथिंग इन अफगानिस्तान, बट यू वर अ पार्ट ऑफ दैट सेटिंग, राइट? इट वाज नॉट इंडिया हु वाज टेकिंग केयर ऑफ देयर लॉजिस्टिक्स, इट वाज नॉट चाइना हु वाज टेकिंग केयर ऑफ देयर लॉजिस्टिक्स, इट वाज पाकिस्तान, इट वाज द बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ द वॉर इन अफगानिस्तान, एंड सिंस दैट ऑप्शन इज नो मोर अवेलेबल, Pakistan wants to make the best of what is available, and that is ki okay, let's rule through Taliban. But basically, ek aapko chahiye hamesha ki, you know, kahin na kahin aapko ungli karne ko milta rehna chahiye ki theek hai, ab yahan se paise nahi aa rahe, to kam se kam ek jo hamari jo dehshatgardi ka jo humne itna bada hamari tijarat hum karte hain usme to thoda fayda kuch hona chahiye na. So
नहीं, आई थिंक पाकिस्तान को थोड़ा सा बैलेंस तो रहना होगा, क्योंकि इस वक्त वो थोड़ा डिसबैलेंस चल रहा है, चाइना की तरफ बहुत ज़्यादा है और अमेरिका के साथ बिल्कुल ही ये भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, एब्सोल्युटली नॉट वाला टर्म, लेकिन ये कि अभी गलती हो गई, अब इनसे मैनेज नहीं हो रहा। अगर आपने कर दिया है तो ठीक है, देन लाइक लिव अप टू इट, राइट? आई मीन यू कैन बी सेइंग थिंग्स लाइक दैट एंड देन यू वांट द वर्ल्ड टू टेक यू सीरियसली. मतलब अमेरिका कैन, यू नो, दे डोंट हैव अ रीजन टू टेक इमरान खान सीरियसली. मे बी दे विल टेक योर आर्मी चीफ सीरियसली, बट व्हाई वुड एनीबडी टेक इमरान खान सीरियसली? इवन इंडिया डजंट टेक इमरान खान सीरियसली, बिकॉज वट कैन इमरान खान रियली डू? आई एम श्योर, you know, I have heard him before he became the prime minister. I for one feel that his heart was in the right place. Probably he really wanted to do things which he used to say he wants to do. Jaise unhone kaha ki is desh mein minorities jo hain unko aur jo aksariyat mein jo musalman hain unko ek tarah ke jo huquq hasil honge. I think he really meant it, but wo to hota hai yaar. So when you get into mainstream politics, then you have to do things which you know, which resonate with the majority and which you have to play to the gallery. But the question is, what can Imran Khan, what the Imran Khan can really do? Does he really have the capacity to take decisions? Because we saw that he was pretty positive about, you know, re-engaging with India, and he made certain statements which looked like very positive statements. But then in a week's time, we saw him go back. So, इसीलिए कहते हैं ना कि एक स्टेट में ना बहुत सारे स्टेट्स नहीं क्रिएट करने चाहिए. अब लेकिन खैर इमरान खान की तो खैर ये तो आप कहीं तक सही किसी हद तक यानी ठीक ही कह रही हैं कि इमरान खान की खैर स्टेटमेंट्स तो जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे तब कुछ और थी. बहुत डिफरेंट है. सेंसिबल स्टेटमेंट्स. आई हैव नेवर सीन एनी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर यू नो कैंडिडेट मेक सच स्टेटमेंट्स. He has been talking about issues which really matter. I mean, I don't fully agree with him on Afghanistan situation, but a lot of things that he said about Afghanistan, they are coming out to be true today. So the guy wants to do a lot of things, but he's not able to. That's what I would like to believe. Because otherwise, या तो फिर दूसरा ये होगा कि वो उस समय झूठ बोलते थे और आज वो कुछ और कर रहे हैं, या तो ये हो सकता है कि वो सच ही बोलते थे बट वो कर नहीं पा रहे. नहीं, हमारे यहाँ तो जो भी अपोजिशन में होता है वो बहुत अच्छी बातें करते हैं और जैसे ही वो पावर में आते हैं तो वो कुछ और निकलते हैं. लेकिन साथ ही हम सोनम एक बात और आपसे करना चाहेंगे और वो ये कि आप कश्मीर गई थी कुछ दिन पहले, आपने जैसे बताया था, और अभी 5 अगस्त भी गई है. बड़ा हंगामा था पाकिस्तान में. तो वो शेख रशीद साहब ने जो है वो एक मोदी जी का ड्रेकोला के ड्रेस में पोस्टर भी लगा दिया था सरीना होटल के बाहर और कहा था कि यहाँ सब जाके हॉर्न बजाएं. पता नहीं किस लिए, लेकिन किस तरह से देख रही हैं आपके ये 2 साल जो गुजरे इसके बाद जब से 370 हटा है, और फिर आपका ट्रिप कैसा रहा अभी कश्मीर का विजिट जो था? यस, आल्सो आई वाज देयर फॉर अ कॉन्फ्रेंस, बट व्हाटएवर लिटिल टाइम आई कुड गेट मायसेल्फ आई ट्राइड स्पीकिंग टू द लोकल्स देयर. वी विल कम टू दैट, बट फर्स्ट टू एड्रेस द इशू दैट you know, your government had put up posters of Prime Minister Modi, and you know, I mean, I don't even know if I can comment on something like this because it's so juvenile. It just doesn't befit any office, any public office. I was hoping that this is done by some political workers and not people who are part of the government, because it reflects so badly on the Pakistan government to do something like this. I mean, I would really not like if somebody is, you know, Imran Khan ka poster leke koi unko chapale maar raha hai ya unka face kharab karke wo laga rahe. But Sheikh Rashid is a part of government. He's a minister. I know. So it's only from you I'm getting to know that it's Sheikh Rashid. But Sheikh Rashid, as you know, he's a troublemaker. Shireen Mazari, Sheikh Rashid, these are like the black sheeps you have, right? They always have the worst things to say at even the best times. So these are not the people who are to be taken seriously, but we know that. But I don't know how the Pakistani government looks at the situation, because they, like you said, they're part of the government. Whatever they do, it will be accounted against the government. So if these guys are not being tamed, then of course it's on the government.
वेरी सैड आई वुड से एंड वेरी जुवेनाइल एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी कुडंट केयर इनफ यू नो अबाउट इट ही डजंट रियली केयर ही इज अ गाय लाइक सो मेनी पीपल अब्यूज हिम एवरी डे सो मेनी पीपल क्रिटिसाइज हिम एवरी डे आई एम प्रॉब्ली वन ऑफ दोज पीपल हु कुड कीप क्रिटिसाइजिंग हिम But I don't think he's a guy who would really sit back and, you know, sulk over things like these or even take an offense to this. I don't think the Indian government machinery would also have taken an offense to it. We just don't take Pakistan seriously anymore. Who can take a state which has like so many models? Your prime minister at one, you know, point, he wants Riyasat-e-Madina. On other, you know, the Iranian regime impresses him. फिर वहां से उनको जो चाइना का जो वन पार्टी सिस्टम है वो भी उनको बहुत पसंद है सो यू नो हु कैन टेक सच अ कंट्री सीरियसली बट आई वुड से फॉर योर ओन गुड यू शुड स्टॉप डूइंग थिंग्स लाइक दीज आई वॉज द अदर डे वॉचिंग एन इंटरव्यू ऑफ मोइद यूसुफ योर NSA विद सीनियर इंडियन जर्नलिस्ट मिस्टर करण थापर And when Karan spoke to him about your draconian blasphemy laws, which are everybody knows that they are used as a political tool to implicate and silence the already marginalized and persecuted minorities, and it's so insensitive and it is so shameful that when he was asked about those draconian laws, जिनसे आप minorities के साथ इतना जुल्म उन पे ढाते हैं And when he was asked about the demolitions of multiple temples in Pakistan from time to time, Mohit Yusuf was laughing. Probably he was trying to make a critical, satirical statement that, okay, I mean, you don't ask us. That's what Pakistanis and Indians do, right? We keep blaming each other. We say, you are not treating minorities well. Pakistan will say that India is not treating minorities well. But I would say, don't listen to anybody. Just go by the statistics. Let's compare the data. What was the percentage of Muslims at the time of partition in India? And what is the percentage of Muslims today? What are your key, you know, performance indicators? How do you judge ki Indian minorities ki state Pakistan ki minorities se better hai ya nahi? Aap KPIs dekhenge, aap statistics dekhenge. Kahan pe hai Pakistan jo hai, wo stand karta hai. Indian Muslims, I would say, यहाँ तो माइनॉरिटी में है बट फिर भी पाकिस्तान के जो अक्सरियत के जो मुसलमान हैं, दे आर डूइंग बेटर देन देम इन एवरी वे मुझे नहीं लगता कि यू नो मोइद यूसुफ फर्स्ट ऑफ ऑल शुड इवन इफ ही वांटेड टू मेक अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट इट लुक्स सो बैड आरजू दैट यू आर लाफिंग ऑन सच अ सेंसिटिव इशू वेयर लाइव्स ऑफ माइनॉरिटीज आर इन्वॉल्वड एंड इट जस्ट डजंट बीफिट अगेन द ऑफिस दैट ही इज होल्डिंग बट दैट्स हाउ इट इज नहीं आप जी प्लीज आई एम सॉरी आई जस्ट टेंड टू डाइग्रेस समटाइम्स आई गेट इमोशनल एंड टॉकिंग अबाउट द कश्मीर ट्रिप आल्सो देयर इज अ लॉट ऑफ चेंज ओके लाइक प्रॉब्ली 4 years अगो वी वुडंट हैव एन इवेंट लाइक व्हाट वी हैड दिस टाइम लाइक एवरीबडी वाज ऑन द सेम पेज एंड वी गॉट टू मीट सो मेनी यू नो कश्मीरी persons who are part of the government machinery. We met bureaucrats, we met police officers. The vibe has completely changed, Arzu. The vibe has completely changed. I can see that after the abrogation of 370 article, I mean, it was supposed to be as per the Kashmiri separatists and the dynasts, it was supposed to cause bloodshed. But I was rather shocked when I saw like so many tourists and you know, Kashmir, you know, it's a Muslim majority. And one would expect ki shayad if you go to Kashmir, Srinagar, you would see women around in burqa or, you know, people taking offense to you wearing something Western. But go to Kashmir, you will feel like it's just another Indian city which has a very cosmopolitan crowd. The tourists are wearing shorts, they're wearing all sorts of clothes. I'm not trying to endorse one kind of clothing, but I'm just trying to make a simple point. And of course, I spoke to people from all the economic backgrounds, so probably somebody who's a part of the government machinery, but of course have only good things to say about New Delhi or, you know, the overall integration of Jammu and Kashmir with
इंडिया. बट आई ऑल्सो स्पोक टू पीपल हु कम फ्रॉम वेरी पुअर बैकग्राउंड्स, पीपल हु आर इन्वॉल्व्ड इन मीनियल जॉब्स, ब्लू कॉलर जॉब्स. आई वुड टेल यू द चेंज दैट आई सॉ इज कि दे मे नॉट हैव फुली इंटीग्रेटेड विद इंडिया. सम पीपल स्टिल हैव प्रॉब्लमैटिक व्यूज. I mean, I was shocked. I spoke to one guy and he was saying that हमें नहीं पता मतलब क्या होगा अगर आजादी मिलती है तो उसके आगे क्या होगा. We are just doing it because we jihad is something which is a farz on us. So now I asked that guy, I said ki okay, so but what is the outcome that you're looking at? He doesn't know that. But I didn't want to argue too much because you know he's illiterate. He's illiterate, even though he's a civilian, he doesn't have a violent bent, but he still fantasizes something which is so problematic. He doesn't know where his future is. If he was really smart, he wouldn't really first of all be doing a menial job. But one thing that I can tell you, that a considerable section of Kashmiri people, especially the illiterate lot, you know, may not resonate with India as much, but there is absolutely zero ground support for Pakistan. In fact, I ended up asking so many people that if you get Azadi, would you like to go with Pakistan? They're like, where is Pakistan coming in from? We have nothing to do with that failed state. One guy went to the extent of saying, we don't even care about what happens in occupied Jammu Kashmir. He said, hame koi farak nahi padta unke sath kya hota hai. So there are varied views. Yes, majority of people are with the progress, with the democratic reforms, with the abrogation of anti-women, anti-Dalit, anti-minorities articles 370 and 355, 335A. But there is a section which is still behind. But that section also is not with Pakistan, is the simple point that I'm trying to make. Nobody is interested in Pakistan. लेकिन खैर आपकी सबसे तो बात नहीं हुई हो पाई होगी, लेकिन ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ लोग ऐसे होंगे, क्योंकि हम देखते हैं ना, हम इंडियन डिबेट्स में भी देखते हैं लोगों को आते हैं वो कश्मीर साइड से, आपकी कश्मीर साइड से, और फिर वो बात कर रहे होते हैं कि वो नाराज हैं या कुछ भी. अभी जैसे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा कि हम जी रेफरेंडम कराएंगे और फिर हम उनसे पूछेंगे कि उन्होंने कहाँ रहना है, किस साइड पे जाना है. तो आपको नहीं लगता कि अब टाइम आ गया है कि कहीं ना कहीं पे इस इशू को सेटल डाउन किया जाए और मजीद 70 इयर्स इसके ऊपर ना लगाए जाएं कि इसी तरीके से झगड़ा होता रहे और लड़ाई, या फिर ये कि दोनों के पास जो कश्मीर है बस वो लेके बैठे आराम सुकून कर रहे. आरजूसी, कश्मीर इज नॉट जस्ट अबाउट लैंड, राइट? इट्स पीपल आल्सो. पीपल हैव सेंटीमेंट्स. यू गो टू विलेजेस व्हिच गॉट डिवाइडेड बिकॉज ऑफ द LOC. Like there are people who have not seen their siblings, right? So it's not for India, it's not just a matter of getting our lost land back. For us, it's also a very emotive, very sensitive issue of people and lives, human lives being involved. But having said that, of course, I am somebody who's looking at a solution, and I feel ki, of course, jo ho gaya hai, you can't reverse that, right? It's what has happened has happened. We can't really go back and change it. We need to look forward and we need to think about the civilians who are, you know, in the areas jahan se LOC guzarti hai. They are living terrible lives. And both India and Pakistan are not doing enough for them. We are not giving them the infrastructure that they require. Aap dekhiye, Israel pe rocket girta hai. They immediately evacuate their, you know, civilians. Do we have infrastructure like that? And you know, अगर हम अभी भी सोल्यूशन पे नहीं आते आरजू, then that means that we don't really care about lives. So both the sides have to think over it, but at the same time, Pakistan has to get off that maximalist position. You know that you've fought so many wars with India, you've not been able to take an inch from India, your army has lost, maybe they have won a couple of battles, but they have lost all the wars. So you need to have that realization. Your country needs to understand that, you know, एक तो पहले जो POJK है उनकी जो लोगों की तो शनाख्त तो पाकिस्तान ने खत्म ही कर दी है. जो आपके डोगरे हैं उनको आपने कश्मीरी बना के प्रेजेंट कर दिया, उनकी लैंग्वेज है पोटवारी पहाड़ी, उनको आप बनाते हैं कश्मीरी. दे हैव नथिंग टू डू विद कश्मीर. पीपल फ्रॉम रावलाकोट, बाघ, कोटली, भिम्बर, मीरपुर, दे हैव
no cultural similarity with Kashmir. So we have to think about people. And हमारी साइड पे जी एक चीज और आरजो, लाइक यू सेड कि ऑफ कोर्स मैंने पहले ही कहा कि इट्स नॉट दैट मैंने बहुत बड़ा सैंपल साइज तो कवर नहीं किया ना, बट ये मेरा एक ये मेरी ऑनेस्टी है कि मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने यू नो डिफरेंट बैकग्राउंड्स के लोगों से मैंने बात करने की कोशिश की है ताकि मुझे एक ओवरऑल आइडिया मिले कि जो हम सोचते हैं कि एब्रोगेशन के बाद जो है टोटल इंटीग्रेशन हो चुका है, हालात बेहतर है, क्या वो सच है? तो मैंने फिगर आउट किया कि नहीं, कुछ लोग हैं अभी भी जिनके प्रॉब्लमेटिक व्यूज हैं, बट वॉट इज हार्डनिंग इज कि जो भी लोग ऐसे व्यूज रखते हैं दे आर कंप्लीटली इलिटरेट. ठीक है, तो दैट गिव्स यू दैट लीवे एंड दैट यू नो होप कि ओके यार दिस इज द व्यू ऑफ अ पर्सन हु इज अ पार्ट ऑफ वेरी स्मॉल मेजोरिटी माइनॉरिटी. ये आदमी पढ़ा लिखा नहीं है, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम? आई एम ग्लैड दैट द एजुकेटेड पीपल, आई इवन हैड सम कश्मीरी फोक्स एट द एयरपोर्ट, द लोकल बॉयज एंड गर्ल्स, यंग पीपल. And there was a lady who was sitting next to me in the flight, young Kashmiri girl. I also had a talk with her, and these were her words. I was very happy. She said, "Ki, yaar, pata nahi kyu karte hain yahan pe? Hum to kehte hain ki India ka jab khate hain, sab kuch India karta hai, to dusre mulkon ke kyu gungane hain? Pakistan ne to hamara hissa occupy kiya." I was very happy. Trust me, 4 saal pehle, shayad you will not hear a young Kashmiri Muslim girl say that. The vibe has changed. People have seen ki unko kis tarah se ek You know, होता है ना, आप एक वेब में झूठ का एक वेब ऑफ लाइज में आप उनको फंसा के रखते हैं कि अरे आप ये खत्म हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा. ऐसे ही आर्टिकल्स जो 370 और 35A जो है उनको ऐसा ही बताया जाता था कश्मीरी आवाम को कि अगर ये खत्म होंगे तो यहाँ पे पता नहीं क्या हो जाएगा. बट जब उन्होंने उसका खुद का असर देखा है एंड दे आर सीइंग दैट वी आर बीइंग अ पार्ट ऑफ मेन स्ट्रीम नाउ, इट इज ब्रिजिंग द गैप बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर एंड द रेस्ट ऑफ द कंट्री. They are enjoying the reforms. They are, of course, on the side of the reforms. हाँ, but कुछ लोग तो हमेशा होते ही हैं जिनको राजनीति करनी होती है, जिनको सियासत करनी है आरजू, तो उनको कुछ तो मुद्दा चाहिए ना. अगर आपको destructive मुद्दों पे ही वोट लेना है, development पे नहीं लेना है, तो you would find out communal issues, you would find out issues that can provoke sectarian divide. So that's everywhere. नहीं खैर, हमारे यहाँ भी ऐसा होता है और बहुत से लोग ऐसे हैं वाकई में जिन्हें कश्मीरी बोलनी नहीं आती या उस तरह का कल्चर नहीं है, मगर खैर अब वो वहीं पे पैदा हुए हैं, वहीं बड़े हुए हैं, हम उन्हें ये तो नहीं कह सकते कि जी आप कश्मीरी नहीं है. और ये बिल्कुल इस इशू को सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए, नेक्स्ट जनरेशन तक नहीं चलते रहना चाहिए कि फिर वही झगड़ा चल रहा है. लेकिन एक चीज और मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूंगी सोनम, अभी कुछ टाइम पहले जो है वो मोदी जी ने कहा था कि जी पॉपुलेशन कंट्रोल की बात की थी और कहा गया था कि जी हर फैमिली को यही परमिशन होगी कि 2 बच्चे हों जैसे ताकि इंडिया की पॉपुलेशन कंट्रोल हो. तो उसके ऊपर ओवैसी साहब जो हैं उन्होंने तो ये कहा है कि जी जो मुस्लिम्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करें ताकि कुछ सालों के बाद जाके माइनॉरिटी के बजाय मेजॉरिटी में मुस्लिम्स जो हैं वो शुमार किए जाए, उसमें उनको काउंट किया जाए. तो आपको क्या लग रहा है कि क्या ये जो पॉपुलेशन कंट्रोल वाली स्कीम निकली है गवर्नमेंट की तरफ से, क्या वो इसी डर से निकली है कि कहीं मुस्लिम्स जो है वो मेजॉरिटी में ना आ जाएं, या जैसे कि हर पढ़ा लिखा इंसान समझता है या जो लोग सोचते हैं कि पॉपुलेशन कंट्रोल होनी चाहिए उसी के ऊपर सिर्फ काम किया जा रहा है? आरजू, सबसे पहले तो जो ओवैसी साहब है ही डजंट स्पीक फॉर द मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम्स इन द कंट्री. अगर वो इतना ही सब मुसलमानों के बारे में बात करते या मुसलमान उनको एक अपने एक हुक्मरान के तौर पे देखते तो उनकी जो पार्टी है ना वो सिर्फ हैदराबाद तक उसकी वो सीमित नहीं रहती, उनकी प्रेजेंस जो होती वो दूसरी राज्यों में भी वो रजिस्टर करते. बट आयरनी ये है कि वो आज तक वहीं पे सिमटे हुए हैं. उसका एक कारण है बिकॉज मोस्ट एजुकेटेड मुस्लिम्स दे अंडरस्टैंड दैट ही प्लेस टू द गैलरी. आई विल टेल यू ओवैसी साहब, I can tell you like in person, he's not the person that he, you know, you see on television. That's with most of the people. ये होता है जो public life में जो लोग होते हैं, they have a different face to present to the outside world. But then ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बिल्कुल ही, आप ओवैसी साहब के आरजू interviews देखें जो उन्होंने पाकिस्तानी channels को दिए हैं. He comes across as, you know, a person who's so patriotic and you know who doesn't believe in religious politics, but we have to understand he also has to play to the gallery, he has to play to his constituency.
I don't see any seriousness in his statements because end of the day, it's the center again which has to take all the decisions. And sorry, Owaisi can't really have people produce so many children. He can't make people reproduce, sorry. I mean, he can just give his nonsensical advices which may give him some electoral gains or may charge his, you know, not so smart followers. But it doesn't have a weight. End of the day, yaar, India ka aapko pata hai, Delhi is the center. Like, we don't have the provincial system, right? We don't have multiple power centers. So whatever decision is taken in Delhi, that applies all over. We don't have multiple states within the state. Just like Pakistan ka ek bahut badi Pakistan ki problem jo aaj ye hai ki पाकिस्तान ने एक दौर में शायद इंडिया को तंग करने के लिए इतने सारे एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स को बढ़ावा दे दिया है कि दे आर नाउ टुडे यू नो दे आउट ऑफ कंट्रोल एंड इवन पाकिस्तान इज रियलाइजिंग इट. आरजू आप बताएं ना, आज से 4-5 साल पहले ऐसा होता था कि कोई हिंदू मंदिर टूटता था तो जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है वो इतना स्विफ्ट एक्शन लेती थी, चाहे वो आप ऑप्टिक्स के लिए ले रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं. पाकिस्तान हैज रियलाइज्ड दैट this issue of the mistreatment of Hindu as well as Christian minorities in Pakistan is not, you know, it is, the message is spread all over the world. आपको पता है EU ने sanctions लगाने की बात कर दी है कि अगर आप ये हरकतें बंद नहीं करेंगे तो हम sanctions लगाएंगे, right? तो पाकिस्तान को भी जो है ये चीज पता है. आपके यहाँ पे ये इशू है कि अब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम कैसे कंट्रोल करें ऐसे एलिमेंट्स को, राइट? आपने इतनी उनको पावर दे दी है कि अब वो उनकी इतनी खुद की इतनी बड़ी फॉलोइंग बन गई है कि गवर्नमेंट फोर्सेस जो हैं वो उनको टक्कर देने का वो मादा रखते हैं. बट हमारे यहाँ पे जो सेंटर कहता है वही होता है. ओवैसी जी उसमें कुछ ज्यादा नहीं कर सकते कुछ भाषण देने के अलावा. बयान बहादुर तो वो है ही, उनको तो वो उसमें तो वो है ही है, वो वही कह सकते हैं. बट और दूसरी बात ये है कि आई डोंट अंडरस्टैंड, अगर जुवेनाइल जस्टिस बिल की बात हुई थी तब भी ओवैसी साहब ने कहा ये हमारे जो बच्चे हैं कि इनके खिलाफ ये साजिश है. मतलब उस बिल में ये था आरजू, जो लॉ भी बन गया है, कि अगर आप 18 साल से थोड़ी आपकी कम उम्र है तो आपको वो लीवे नहीं मिलेगा कि आप जो हैं आप माइनर हैं अगर आपने रेप किया है तो, या कोई क्राइम किया है, हीनियस क्राइम किया है तो, यू विल स्टिल बी ट्राइड एज एन अडल्ट. बट ओवैसी साहब एंड द मेनस्ट्रीम मुस्लिम पॉपुलेशन, politicians, they had a problem with that. But why? आप इस चीज से क्या ये साबित करना चाहते हैं कि जो मुसलमान कौम है वो ज्यादा क्राइम्स करती है? तभी आप इनडायरेक्टली यही इंसिनुएट कर रहे हैं ना. हिंदू उसको क्यों प्रॉब्लम नहीं है? ऐसा तो नहीं है कि क्या सिर्फ मुसलमान रेप करते हैं? रेप तो हर घिनौना आदमी करता है, वो चाहे किसी भी मजहब से उसका ताल्लुक हो. तो अगर आप बार बार ऐसी चीजों पर रिएक्ट करेंगे विच आर ओनली ब्रिंगिंग इक्वालिटी एंड यू नो ब्रिंगिंग द टू कम्युनिटीज क्लोजर, देन यू आर एन एनिमी ऑफ द नेशन, देन यू कैन बी सीन एज अ फ्रेंड. अब जैसे बिल भी अगर लाएंगे आरजू तो इट विल अप्लाई टू एवरीबडी, विल इट ओनली अप्लाई टू मुस्लिम्स? लॉ तो सब पे होना चाहिए ना, ये इसमें रिलीजन तो बीच में नहीं आना चाहिए अगर अगर कोई लॉ बना है कंट्री में तो. एग्जैक्टली exactly. और ये ऐसा तो है नहीं है कि ये किसी एक मजहब को अप्लाई होने वाला है भाई. ये पाकिस्तान नहीं है कि जहाँ पे अगर आप रसूल अल्लाह को क्रिटिसाइज कर देंगे या आप इस्लाम के ऊपर तनकीद कर देंगे तो आपको ब्लास्फेमी के नाम पे आपको सूली चढ़ा दिया जाएगा, और अगर आप कोई हिंदू मंदिर तोड़ देंगे तो आपको या तो फिर एक वो शॉर्ट टर्म जेल सेंटेंस मिलेगा, उसके बाद 2-3 महीने बाद आप बोल देंगे कि भाई हिंदू कम्युनिटी ने माफ कर दिया है तो हमने छोड़ दिया है, राइट? तो हमारे यहाँ पे द लॉ अप्लाइज इन अ सिमिलर फैशन टू एवरीबडी, डजंट अप्लाई डिफरेंटली टू पीपल बेस्ड ऑन देयर रिलीजन. सो व्हाट हैव दीज पीपल गॉट टू वरी अबाउट? इट एक्सपोजेस कि वो चाहते हैं कि जो मुसलमान है वो हमेशा अपने आप को अलग समझे. दे वॉन्ट टू अदर द मुस्लिम कम्युनिटी फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री. तो अलग रहेंगे तभी तो आप वोट बैंक पॉलिटिक्स और कम्युनल पॉलिटिक्स कर पाएंगे. जिस दिन मुसलमान जो है वो मेन स्ट्रीम का हिस्सा बन गया, उस दिन आप मुसलमान से वोट नहीं ले पाएंगे मस्जिद और मजहब और जिहाद के नाम पे, आप फिर वो नहीं कर पाएंगे. सो दैट इज व्हाई इट इज ऑलवेज इन द इंटरेस्ट ऑफ एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स टू कीप देयर अवाम इलिटरेट एंड इग्नोरेंट. सो ओवैसी सर इज नॉट एन एक्सेप्शन देयर.
नहीं बिल्कुल, और लेकिन पाकिस्तान में भी यही होना चाहिए कि अगर कोई मंदिर या चर्च या किसी को नुकसान पहुंचाता है तो उसके ऊपर भी ब्लास्फेमी लॉ ही लगना चाहिए और वही सजा होनी चाहिए जो अगर मुसलमान देते हैं, अगर इस्लाम पे या पैगंबर पे कोई बात हो तब होती है, क्योंकि लॉ तो सबके लिए एक ही जैसा होना चाहिए, वरना तो गलत बात है कि उनको तो आप छोड़ देंगे। मुझे नहीं लगता कि कोई खास सजा होगी। आप देखिएगा, अभी इन्होंने कहा है कि 70 से ऊपर लोगों को अरेस्ट किया गया है अभी जो मंदिर उन्होंने तोड़ा था उसके ऊपर, लेकिन कुछ दिन के बाद एक 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 करके वो कम होते जाएंगे और फिर न्यूज कहीं पीछे चली जाएगी। ये तो लेकिन आरजी रिपीटेडली हो रहा है ना। हाँ अगर आप एक भी केस को लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाएंगे, अगर एक मुसलमान को भी खौफ होगा पाकिस्तान में कि अगर मैं दूसरों के मजहब पे कुछ बुरी बात कहूंगा या फिर मैं किसी की दिल आजारी करूंगा तो मुझे उसकी सजा मिलेगी, मुझे वैसे ही मिलेगी जैसे एक क्रिश्चियन, एक हिंदू या एक सिख को मिलती है, तो वो ये हरकतें करेगा भी नहीं। इट्स बिल्कुल ओनली फॉर पाकिस्तान्स ओन गुड दैट यू ट्राई दीज पीपल एज पर द लॉ एंड ब्रिंग देम टू बुक सो दैट दीज थिंग्स डोंट रिपीट। यू ओनली हैव टू लूज फ्रॉम दिस सिचुएशन इंटरनेशनली ऑल्सो एंड अदरवाइज ऑल्सो। वाई वुड एनी कंट्री वॉन्ट टू डू ह्यूमन राइट्स वायोलेशंस? आई नो देर आर एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हियर ऑल्सो। लॉट ऑफ पीपल से कि हमने अगर यहाँ पे मंदिर तोड़ा तो आपने भी तो बाबरी मस्जिद तोड़ी, बट यू नो डू यू अंडरस्टैंड दैट हैपेंड इन 1992? That means you don't have an example to give in between. India में नहीं ही तो मतलब बिल्कुल 1 लाख से ऊपर तो मस्जिद है आरजू। नहीं बिल्कुल, और एग्जाम्पल तो सेट करनी ही पड़ेगी ना पाकिस्तान को। इस तरह के लोगों को जब तक सजा नहीं देंगी, तो 1 साल में ये 7वां मंदिर था जिसको तोड़ा गया, एक साल के अंदर। अगर एक ही केस में आप जो कल्प्रिट्स हैं, यू हैड टेकन देम टू ब्रोक, यू हैड ब्रॉट देम टू बुक, तो ये रिपीट नहीं होता बिकॉज दीज पीपल आर गेटिंग अवे विद एन अपॉलॉजी। दे नो दैट द स्टेट कांट रियली एक्ट अगेंस्ट देम एंड द लॉ इज डिस्क्रिमिनेटरी। दे आर रिपीटेडली डूइंग इट, अदरवाइज दे वॉन्ट, दे वुड ऑल्सो स्टॉप। सो अगर आप सच में चाहते हैं कि एक ऐसी चीजों पे एक फुल स्टॉप लगे, तो बॉस यू हैव टू एक्ट। यू कांट जस्ट प्ले टू द गैलरी एंड से कि हमने अरेस्ट कर लिया है। और फिर लाइक यू सेड अदर डे आरजू, आई फेल्ट सो सैड। देयर इज दिस पाकिस्तानी ब्लॉगर, आई थिंक ही इज फ्रॉम खाइबर पख्तूनवा, वेरी नाइस गाय। आई डोंट नो इफ आई कैन टेक हिज नेम ऑन योर चैनल, हाउ डज दिस वर्क। उन्होंने वो गए थे ये सिंध जाके, ये सक्कर सक्कर राइट सक्कर और ये थी ये सब जगह जहाँ पे हिंदू आबादी है। एंड ही वेंट टू सम टेम्पल्स देयर एंड आई फेल्ट सो सैड। एक मंदिर वो गए और वो जो वहाँ के जो मंदिर में जो पुजारी थे या फिर जो वहाँ के जो हिंदू लोग वहाँ पे थे, वो स्टोरीज बता रहे हैं। वहाँ पे ना लाइन से 4 समाधियाँ थी। हमारे में कल्चर होता है कि आई डोंट नो इफ यू अंडरस्टैंड इट, हम जो हमारे जो गुरु होते हैं या फिर जिनको हम व्हाट यू से गॉडमैन होली मैन, जिन जिन जिनको हम समझते हैं कि हाँ इनसे हमें मजहब के बारे में इनसे लेना चाहिए, जब इस तरह के लोग जब उनकी फौतगी होती है तो उनको हम जलाते नहीं हैं, उनकी समाधि बनाई जाती है और वहीं पे बनाई जाती है जहां पे उनकी मौत हुई है। तो वहां पे 4 लाइन से समाधियां थी और ये जो ब्लॉगर थे जो मिस्टर खान फ्रॉम केपी के, इन्होंने पूछा कि ये कौन लोग हैं, और वो जो वहां पे जो हिंदू लोग हैं दे वर सेइंग कि हाँ ये मंदिर के एक पुजारी थे और ये 3 हमारे भक्त थे। फिर 1998 पता नहीं 1999 आई डोंट रियली रिमेम्बर द ईयर, ही सेड कि फिर एक दिन रात को सो रहे थे और कोई वही नामालूम अफराद कुछ आए और उन्होंने इनके इनको जबा कर दिया, इनके गले काट दिए और फिर वो चले गए। तो वो पता नहीं चला कैसे हुआ। तो दैट ब्लॉगर आस्क्ड कि मतलब वो कुछ उनको सजा नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ? तो ही सेड कि वो पता ही नहीं चला किसने किया है। सो सैड, 4 पीपल हैव बीन बिहेडेड इनसाइड अ प्लेस ऑफ वर्शिप एंड यू हैव नॉट बीन एबल टू फिगर आउट हु दोस पीपल वर एंड देन यू से कि यू हैव द सेम लॉज फॉर एवरीबडी। How is that possible? What kind of justice is this? बहुत सही से पता होगा कि किसने किया है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होगी। वो मुल्ला माफिया होगी और उससे ये पंगे ले नहीं सकते होंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि कोई इस तरह करके चला जाए और वहां की पुलिस को, वहां के लोगों को पता ना लगे। लेकिन यही तो प्रॉब्लम है
यहाँ पे कि माइनॉरिटीज के साथ गलत करते हैं, और जब हम बोलते हैं कुछ तो वो भी लोगों को बुरा लग जाता है। लेकिन फिर भी अभी जो इन्होंने किया है, अभी 70 के करीब लोगों को पकड़ा है इन्होंने, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनको कोई सजा होगी। वो थोड़े दिनों के बाद थोड़ा मामला ठंडा हो जाएगा, इंटरनेशनल मीडिया भी चुप हो जाएगा, तो वो एक 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 करके, आपको याद है मशाल खान स्टूडेंट था यूनिवर्सिटी का, केपीटी, उसकी वीडियो तक मौजूद है कि उसको किसने मारा, क्या किया, सब लोगों को छोड़ दिया इन्होंने, एक एक को छोड़ दिया। तो वो यहाँ पे ये सब कुछ होना अभी फिलहाल तो पॉसिबल लगता नहीं, ये सिर्फ थोड़ी सी नौटंकी या ड्रामेबाजी मैं कहूंगी वो चल रही होती है। लेकिन अगर किसी को सजा दे दी इन्होंने सच में, तो ये बहुत अच्छी बात होगी, और बड़ा इसको मैं समझूंगी कि वाकई में कोई चेंज आ रहा है। लेकिन अभी मुझे फिलहाल उम्मीद मुझे कम अज कम कोई नहीं है कि ऐसा कुछ होने लगा है। थैंक यू सो मच सोनम कि आपने आज ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपसे फिर मिलेंगे जल्दी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आरजू, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा और वीडियो को आपने काफ़ी एंजॉय किया होगा। ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन जरूर प्रेस कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। तो अगली वीडियो तक आप अपना ख्याल रखिए, हम जल्द मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।